सच में आपको चाहिए ओरिजिनल इथेरियम और आप चाहते हैं चीजें जैसी थी वैसे ही रहें, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिन स्ट्रीट पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिजिनल इथेरियम के बारे में, क्योंकि अभी इथेरियम जो है वो मर्ज हो चुका है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ओरिजिनल इथेरियम में ही रहना चाहते हैं, वो स्विच नहीं करना चाहते इस न्यू इथेरियम अपडेशन में। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ओरिजिनल इथेरियम की हम बात करेंगे, यानी कि इथेरियम क्लासिक की। तो अगर आप जानना चाहते हैं क्या है इथेरियम क्लासिक, क्या है ओरिजिनल इथेरियम की स्टोरी, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो ओरिजिनल इथेरियम यानी कि इथेरियम क्लासिक की जो स्टोरी है वो जुड़ी है डाओ हैक से, यानी कि जिसे डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके एक हैक से इसकी स्टोरी जो है वो जुड़ी है। एंड उससे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इथेरियम क्लासिक क्या है, ओरिजिनल इथेरियम क्या है। अगर आपने नहीं सुनी है ये स्टोरी तो मैं आपको बताती हूँ। तो डाओ हैक जो है वो दरअसल हुआ क्या कि ये जो टोकन सेल है इसका, इसे सेट किया गया था लास्ट 28 डेज के लिए। उस दौरान जब टोकन जो थे वो लॉक्ड अप थे, एंड उसके बाद जब डाओ जो है वो स्टार्ट करने वाला था ये डिसाइड करके कि कौन से डाओ जो है वो ऑपरेट करेगा, तो 3 वीक्स के दौरान उस टोकन सेल के 3 वीक्स के अंदर ही जो डाओ था उसकी जो कीमत थी, उसकी जो वर्थ थी, वो $150 मिलियन बढ़ गई थी, जो कि मोर देन 11,000 इन्वेस्टर्स के लिए रखी गई थी, यानी इतने इन्वेस्टर्स को उनको देना था। तो जो कि इस चीज ने इसको एक लार्जेस्ट क्राउड फंडिंग कैंपेन बना दिया था, हिस्ट्री में पहली बार उस टाइम पे ऐसा देखा गया था। तो हाउएवर इस टोकन सेल से पहले, जो इस ये टोकन सेल जो कंक्लूड किया जाता है, इससे पहले बहुत सारे ऑनलुकर्स जो थे वो एक कंसर्न जो थे वो एक्सप्रेस कर रहे थे अपने कंसर्न को, जो वल्नरेबिलिटीज फैल रही थी डाओ के कोड में उसको लेकर के कंसर्न थे। एंड मोर स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे वो भी कंसर्न थे एक बग को लेकर के कि जो बग है डाओ के वॉलेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उसको किस तरह से जो है वो खत्म किया जाए, और उनको ये चिंता थी कि ये सारे जो फंड्स है इनको ड्रेन कर देगी। तो जो प्रोग्रामर्स जो थे वो इस बग को फिक्स कर रहे थे, उस दौरान जो अटैकर था उसने एक्सप्लॉइट कर दिया था वल्नरेबिलिटी को, एंड सारे जो फंड्स थे डाओ के उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर लिया था अटैकर ने। तो इस दौरान जब अटैकर ने सारे फंड्स को एब्जॉर्ब किया तो जो इथेरियम कम्युनिटी थी उसने डिबेट किया इस बात को लेकर कि किस तरह से इस अटैक को रिस्पोंड किया जाए। तो डाओ का जो फेलियर था उसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि इन्वेस्टर्स को ही फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, बट ये जो था ये पूरे इथेरियम के नेटवर्क में भी बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालने वाला था, असर डालने वाला था, जिसको लेके ये सभी लोग कंसर्न थे। तो डाओ जो था वो एक इतना ज्यादा हैविली इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट जो था वो बन चुका था कि इसके कॉन्ट्रैक्ट थे वो कंटेन करते थे अप्रोक्सीमेटली 14% ऑफ ऑल ईथर, यानी कि ETH इसके सर्कुलेशन में उस टाइम पे। और एक ही साल के अंदर जो ये प्रॉमिसिंग इथेरियम टेक्नोलॉजी थी एंड जो इसकी कम्युनिटी थी, इसको एक जेन्युइन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का भी सामना करना पड़ा था, इस चीज इस प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ा था। तो फिर इन्होंने एक जो थी एक तरीका सोचा कि किस तरह से इस डाओ हैक को रिस्पांस दिया जाए, किस तरह से इससे छुटकारा दिलाया जाए। तो इनिशियली जो इथेरियम के फाउंडर थे विटालिक बुटेरिन, उन्होंने सॉफ्ट फोक का प्रपोजल दिया इथेरियम नेटवर्क के अंदर, क्योंकि अब इथेरियम नेटवर्क पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला था इस अटैक का, तो इसको बचने के लिए उन्होंने सॉफ्ट फोक का प्रपोजल दिया था, जो कि जिसमें ऐड था एक स्निपेट ऑफ कोड, और ये कोड क्या करता था, ये इफेक्टिवली जो अटैकर थे उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देता था, एंड जो भी फंड स्टॉल होने होते थे उनको ये प्रिवेंट करता था, उनकी प्रिवेंशन के लिए इस कोड को बनाया गया था। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बहुत ही एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम में जो अटैकर थे, और कोई ऐसा पर्सन जो कि पोज करता है एज द अटैकर, उसने वो वेरीफाई नहीं कर पाया। इवनली उसने एक ओपन लेटर में पब्लिश भी किया इथेरियम कम्युनिटी को, जिसमें उसने ये क्लेम किया कि जो फंड्स थे वो लीगल तरीके से लिए गए थे, किसी भी तरह की कोई चोरी नहीं की गई थी, जो फंड्स ऑब्टेन किए गए थे वो एक लीगल वे से किए गए थे उनके अकॉर्डिंग, उस जो अटैकर था जिसने पब्लिश किया लेटर उसके अकॉर्डिंग। तो जो अटैकर था उसका इसके साथ ये भी कहना था कि
लीगल एक्शन उन लोगों के खिलाफ लिया जाएगा अगर कोई भी ईथर को सीज करने की, जब्त करने की कोशिश करेगा। तो ये जो डाओ हैक था, अब इसको एक रेमेडी की तरह लिया गया कि किस तरह से क्या रेमेडी इसकी निकाली जाए जिसके कारण इस हैक को पूरे इथेरियम से इसको छुटकारा दिलाया जा सके। तो इथेरियम कम्युनिटी से पहले, इससे पहले कि वो प्रोसीड करती, सॉफ्ट फोक के साथ एक बग को फिर से डिस्कवर किया गया इस कोड के अपडेट के अकॉर्डिंग, जिसने क्या किया, जिसने अटैक को और वल्नरेबल बनाया। अब इसका सेकेंड सोल्यूशन निकाला गया जो था हार्ड फोक, जिसे फिर इवेंचुअली एग्जीक्यूट किया गया काफी ज्यादा डिबेट के बाद जब इसका प्रपोजल आया। तो इनिशियली अभी भी ये बात अनक्लियर थी कि जो फोक था उसे किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाना था, वो होना भी था एग्जीक्यूट या नहीं होना था, ये बात बिल्कुल अनक्लियर थी क्योंकि कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे। तो क्योंकि ये इथेरियम डेवलपर्स द्वारा प्रपोज किया गया था ये हार्ड फोक का जो आइडिया है, तो एक लेकिन जो इथेरियम कम्युनिटी है उनके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इस चेंज को, इतने बड़े चेंज को इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसके लिए उन्होंने जब सपोर्ट मांगा तो माइनर्स, एक्सचेंजेस एंड नोड ऑपरेटर्स जो थे उन्होंने इस बात पर एग्री किया कि वो इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे, यानी कि जो हार्ड फोक का प्रपोजल था उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। तो बहुत सारी एक गर्मा गर्म मुद्दे के बाद, एक बहस के बाद, डिबेट के बाद पब्लिक फोरम में फाइनली जुलाई 2016 में इथेरियम हार्ड फोक को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। अब जब एक बहुत ज्यादा मेजोरिटी थी जो स्टेक होल्डर्स की, उन्होंने अडॉप्ट किया इस चेंज को एंड इस फोक को जो भी इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन हर कोई बोर्ड पर नहीं था, हर कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एंड एज अ रिजल्ट जो हार्ड फोक था उसको दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। अब ये दोनों सेपरेट है, यानी कि इथेरियम की ब्लॉक चेन से। तो वो लोग जिन्होंने इस हार्ड फोक को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था वो रोल बैक करते हैं ब्लॉक चेन की हिस्ट्री को, जो सपोर्ट किया जाता है प्री फोक्ड वर्जन, यानी कि प्री फोक्ड वर्जन को, जिसको अभी हम इथेरियम क्लासिक के नाम से जानते हैं, यानी ईटीसी जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ब्लॉकचेन थी इसको पहले, प्रेजेंटली हम इसको इथेरियम के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले इसे इथेरियम क्लासिक के नाम से जाना जाता था। तो ये जैसे कि एक ब्लॉकचेन है जिसे इम्प्लीमेंट किया गया था हार्ड फोक को लेकर के एंड ब्लॉकचेन की हिस्ट्री को अल्टर किया गया था एंड कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन को, पूरी ब्लॉकचेन की जो हिस्ट्री है सारे के सारा उसमें जो चेंजेस थे वो कर दिए गए थे इस हार्ड फोक के आने से। तो ये तो थी इथेरियम क्लासिक की शुरुआत, कि किस तरह से इथेरियम क्लासिक शुरू हुआ और ये था ओरिजिनल इथेरियम। तो ये जो फंड्स जो थे, ये जो स्टील किए गए थे डाओ से, इनको दोबारा से इन्वेस्टर्स को रिस्टोर कर दिया गया था, यानी इन्वेस्टर्स को दोबारा दे दिया गया था, लेकिन जो अटैकर थे वो फिर भी उन्होंने अपना जो हार नहीं मानी थी, फिर भी वो कोई ना कोई तरीका अपना लेते थे। तो जो टोकन्स जो थे, अभी आपको अगर बताएं उन जो हैक्ड टोकन्स थे अभी भी उन हैकर्स की पोजीशन में है, अभी भी इथेरियम क्लासिक चेन के जो भी फंड्स थे एंड जिनकी कीमत अभी उस अटैक के बाद अगर बताई जाए तो वो बताई जाती है $8.5 million उनकी कीमत थी, जो अभी भी उनके पोजीशन में है। तो ये जो डाओ हैक है एंड ये जो इथेरियम हार्ड फोक है, इसने पूरी इथेरियम कम्युनिटी को अंदर से हिला के रख दिया एंड ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई बहुत सारे मेजर क्वेश्चंस के साथ जो इस टेक्नोलॉजी को इमर्ज करते हैं। इसके बाद ये क्लियर हुआ कि जो डिसीजंस विटालिक बुटेरिन के द्वारा लिए गए थे, एक बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन था, इथेरियम डेवलपर्स द्वारा लिए गए थे एंड ग्लोबल कम्युनिटी द्वारा लिए गए थे एंड इस डिसीजन की वजह से इस हैकर से छुटकारा मिला है एंड इस डिसीजन की वजह से ही जो ब्लॉकचेन है उन दिनों में सर्वाइव कर पाई थी। तो तब से जब से ये डाओ हैक हुआ है उसके बाद जो इथेरियम है वो बहुत ज्यादा एक एसेंशियल पिलर बन चुका है ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो करेंसी का एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का। ये भी एक रीजन है कि इथेरियम को इतना ज्यादा एक प्रायोरिटी दी जाती है, इथेरियम सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है, फेमस क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। तो ये तो थी स्टोरी ओरिजिनल इथेरियम की, यानी कि इथेरियम क्लासिक की, जिसे आज हम ओरिजिनल इथेरियम के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली अगर इथेरियम क्लासिक की बात करें कि ये है क्या, तो इथेरियम क्लासिक ईटी से एक हार्ड फोक है इथेरियम यानी कि ईटीएच का, जिसे जुलाई 2016 में लॉन्च किया गया था एंड इसका जो मेन फंक्शन है वो है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क, क्योंकि इसमें ये एबिलिटी है कि ये होस्ट करता है एंड सपोर्ट करता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को, यानी कि डैप्स को एंड इसका नेटिव टोकन है ईटीसी। तो इथेरियम क्लासिक एज इन फैक्ट ये एक लिगेसी चेन है इथेरियम की एंड इसका जो
ट्रू क्रिएटर्स की अगर बात करें तो वो है ओरिजिनल इथेरियम के डेवलपर्स विटालिक बुटेरिन एंड गेविन वुड। इसका लाइव प्राइस चार्ट डेटा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, क्या इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम रही है, कितना इसने ट्रेड किया है 7 डेज में, 24 आवर्स में कितना इसने ट्रेड किया है, वो सब कुछ आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो अगर इसको बाय करने की, परचेज करने की मैं बात करूं तो जो एक्सचेंजेस जहां से आप इथेरियम क्लासिक को यानी ओरिजिनल इथेरियम को बाय कर सकते हैं, अगर आप स्विच नहीं करना चाहते इथेरियम मर्ज में तो आपके पास ऑप्शन है ओरिजिनल इथेरियम में आप जा सकते हैं। एंड इन प्लेटफॉर्म्स में इंक्लूड है जहां से आप इसको बाय कर सकते हैं वो है बाइनांस, OKX एंड पूओबी ग्लोबल, जहां पे जाके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये थी आज की वीडियो इथेरियम क्लासिक। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। एंड इसके साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें एंड चैनल को ऐसे करते रहिए सपोर्ट। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट अपडेट।